हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की शुरुआत हो रही है स्ट्रेट फ्रॉम गंगोत्री। तो आज का सीन ऐसा है, आज चलेंगे हम गंगोत्री मंदिर में और दर्शन करते हैं आज, और आज हमको निकलना भी है वापस। तो बने रहिए व्लॉग में, देखते हैं और दिखाता हूँ आपको गंगोत्री मंदिर। वैसे तो पिछले व्लॉग में मैंने दिखा दिया था, लेकिन आज फिर दिखाता हूँ। और अभी अंधेरा है, अभी बज रहे हैं 5, तो जैसे ही उजाला होगा तो मैं आपको व्यू भी दिखाऊंगा यहाँ से। तो अभी चलते हैं होटल से मंदिर की तरफ, मिलते हैं आपको आगे। चलो आपका जब मन करे जब उतरी आए इस नंबर पे पेमेंट कर दी जाए पहले। आपने देखा ये है भाई सुबह का नजारा गंगोत्री मार्केट का। ज़्यादा भीड़ तो है नहीं अभी मार्केट में, मंदिर में बहुत भीड़ मिलेगी भाई। चलता है, देखो भाई पहुंच चुके हैं सुबह सुबह वापस मंदिर। अब देखते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। सुबह के 5:30 हो रहा है, देखते हैं भीड़ है। अरे सही है यार, भीड़ तो बिल्कुल नहीं है। अभी मंदिर बिल्कुल खाली है, हमें लगा था भीड़ भीड़ मिलेगी। अभी तो मंदिर बिल्कुल ही खाली है। अभी चलो तो क्या मंदिर परिसर में यहाँ होता है कीर्तन भजन, यहाँ होता है कीर्तन भजन। ये है गंगोत्री मंदिर। अभी तो कोई आया नहीं है, हम ही सबसे पहले पहुँचे हैं। 5:30 हो चुका है, अब थोड़ी देर में आरती वारती होगी। ये है मंदिर सुबह, प्यारा लग रहा है, आपको दूर से दिखाता हूँ थोड़ा। ये है भाई गंगोत्री मंदिर। ये चोटियाँ देखो आप, बहुत ऊँची ऊँची चोटियाँ यहाँ पे। ये देखो ये है मंदिर। चलो देखते हैं कब तक आरती वारती होती है, आरती होती है तो फिर दर्शन करते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। और ये बगल में है शिवालय है ये। चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। ये बनाए लकड़ी का गंगोत्री मंदिर बनवाया। और यह है गौमुख, शीतकालीन गंगोत्री धाम। और यह है, तो यह है सुबह का दृश्य। अब उजाला हो चुका है, अब देखो यह है गंगोत्री धाम, बहुत ही सुंदर मंदिर है। रात को तो लाइटों में और भी प्यारा लगता है। ये है जय माँ गंगोत्री, और चारों तरफ का नज़ारा देखो आप, कितनी ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ यहाँ पे। ये है कितनी ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ हैं। और यह है गंगोत्री धाम, जय माँ गंगा। और गंगोत्री 6 महीने के लिए, ये मुख्य मठ मुगवा हरसिल वैली में गांव है एक मुगवा, 6 महीने जब कपाट बंद हो जाते हैं तो यहाँ डोली चली जाती है। ये हरसिल में पड़ता है मुगवा मुख्य मठ, ठीक है। और ये है गौमुख, यह है गौमुख जहाँ से गंगा निकलती है। ये गंगा जी का उद्गम स्थल है, यहाँ से गंगा जी निकलती हैं गौमुख। चलो और भी चीज़ें दिखाता हूँ आपको आगे।
तो अभी हम हैं गंगोत्री धाम के चरणों में, गंगोत्री माँ के। तो पूजा वगैरह हो गई है अंदर, तो फोटोज अलाउड नहीं है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये चेक करें आप, ये है गंगोत्री माँ का मंदिर, और ये चारों तरफ का व्यू देखो आप, बहुत ही प्यारा व्यू है। और इस तरफ है गौमुख, गौमुख जो है वो इस तरफ है। ये चट्टाने देखो आप भाई, व्यू बहुत तगड़ा है। ये है, ये रहे हमारे यात्री, यात्रीगण। अभी बोलू क्या, बोलू क्या? गंगोत्री धाम पूजा पाठ हो चुकी है। और ये है शिवालय यहाँ पे, ये गंगोत्री माता का मंदिर है और ये शिवालय है यहाँ पे। अब हम यहाँ से नीचे जाएंगे घाट पे, मुख्य स्नान घाट है, यहाँ से गंगा जल भरेंगे अपने। चलो देखते हैं आगे। अब ये रास्ता जा रहा है घाट के लिए, नीचे गंगा जी। अब ये चल रहे हैं गंगा जी की तरफ। ये लिखा हुआ है मुख्य स्नान घाट गंगोत्री धाम श्री पंच गंगा पुरोहित सभा। यह है प्राचीन भगीरथ तपस्थली दर्शन। यहाँ पे भगीरथ जी ने तपस्या की थी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए, तो यही वह जगह है। यह है भगीरथ जी की तपस्थली, जहाँ पे तपस्या की थी भगीरथ जी ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए, यही वो जगह है। चलो, ये है स्नान घाट और ये पूजा हो रही है यहाँ पे। देखो हमारी पूजा तो ऊपर मंदिर के अंदर ही हो गई थी। ये नीचे गंगा जी गौमुख से आ रही है सीधा। यार नज़ारा बहुत सुंदर है यहाँ का, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। कभी समय मिले तो आओ यार गंगोत्री धाम के दर्शन करो। मैं तो बोलता हूँ चारों धाम के दर्शन करो एक बार, बहुत ही सुंदर जगह है। बट यार पिकनिक के इरादे से ना आना यहाँ पे, यहाँ पे आप बस भगवान की, भगवान का नाम लेके सच्ची आस्था से ही आना। ये ऐसा सा रास्ता है, ऐसा सा रास्ता बना हुआ है यार गंगा जी की तरफ जाने के लिए। हम गंगा जी के नज़दीक जाएंगे गंगा जल लेने। देखो पत्थर ही पत्थर है, तो पैरों में भी चुभ रहे हैं यार। चलो देखते हैं कैसे जाते हैं। भाई नदी का बहाव देखो कितना तेज बहाव है, बहुत तेज। पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं यार, नदी का बहाव बहुत तेज है गंगा जी का। और यार पैरों की हालत ख़राब हो गई इन पत्थरों में चलते चलते। भाई साहब ये पहुँचे हैं हम गंगा नदी के तट पर गंगा जल लेने। ये देखो सब, दो मिनट के लिए हमारे ब्लॉगर रेस्ट में हैं, एक बारी उनकी भी वीडियो बननी बनती है। ये हमारे ब्लॉगर सर हैं, कस्तो मजामा सर, जय माता दी।
तो अब निकल रहे हैं गंगोत्री धाम से वापस। दर्शन हो गए अच्छे से, आरती पूजा हो गई, तो अब निकलते हैं अच्छे से निकलते हैं, देखते हैं अब आगे। ये मंदिर है पूरा गंगोत्री धाम का। ये पूरी मार्केट है गंगोत्री की, बहुत सुंदर मार्केट है। बस आपको ये सब ड्राई फ्रूट्स भी मिल जाएंगे यहाँ, और ये माला वाला पूजा का सामान ये है, ये सब आपको यहाँ मिल जाएगा। रेस्टोरेंट वगैरह भी काफ़ी है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। वाह गजब। तो अभी हम पहुंच चुके हैं होटल में, और अब देखते हैं, अब सामान वामान रखते हैं गाड़ी में और निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं नाश्ता कहाँ होता है। तो अभी जस्ट हम होटल ही पहुँचे, मैं आपको यहाँ से अपने होटल से व्यू चेक करवाता हूँ। व्यू चेक करिए, ये व्यू चेक करो आप गंगोत्री धाम का, बहुत ही प्यारा व्यू है। भाई बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, एक बार आना चाहिए आपको सच्चे मन से, श्रद्धा लेके यहाँ पे आए आप, बहुत ही प्यारा है। तो चलो देखते हैं यार अब क्या प्लान है आगे का, आज तो निकलना है हमें, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, क्या है नाश्ता कहाँ होता है। तो फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में आगे, जैसा भी होता है। ओके बाय। जाती है स्वर्ग की सीढ़ी, रातों को गुजरो तुम डांडों से, डर लगता भूत न मांग ले बीड़ी। यहाँ झरने और नदियाँ, किनारों की आवाज, ठंडी हवाएं चले पहाड़ों के पास, कहर की टेंशन का यही जवाब, यही रहना चाहता बस इतना सा ख्वाब। ऊंचे पहाड़ ऊंचे हैं पेड़, ढलानों में यहाँ बकरियां और भेड़, घास की चादर और तितलियों का ढेर। ये देखो भाई सारे सेब के बगीचे हैं, और ये वाला अखरोट का पेड़ है, अखरोट लगे हैं बहुत सारे। ये सेब देखो, मैंने नज़दीक से देखा था भाई, बहुत ही बहुत ज़्यादा ही सेब है हर्सिल वैली में, तो हर्सिल में तो बहुत ही ज़्यादा। आपको जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है सारे सेब हैं, जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जा सकती है सारे सेब हैं। ये देख लो, ये देख लो सारे सेब के बगीचे हैं, सारे सेब लगे हैं, और ये ट्रक पैक हो रहा है सेब की क्रेट से। ये देखो सारे सेब पैक करके यहाँ से जाएंगे, और लेकिन ये यहाँ उत्तराखंड में नहीं मिलते हैं ये सेब, ये एक्सपोर्ट होते हैं बाहर, उत्तराखंड से बाहर एक्सपोर्ट होता है। ये देख लो अब कितने सारे सेब हैं, यह है सेब के बगीचे, जहाँ तक नज़र जा सकती है सारे सेब ही सेब हैं भाई। सारे सेब, और यह है हर्सिल वैली। कल हम आए थे यहाँ पे, आज फिर से यहीं पे आए हैं, सेब वगैरह लेने हैं, देखते हैं अगर सही रेट मिलते हैं तो। भाई बहुत महंगे हैं सेब यहाँ पे, लेकिन सेब ऐसी क्वालिटी कहीं नहीं मिलेगी जैसे हर्सिल की है। देख लो ये ट्रक ही ट्रक पैक होकर जा रहे हैं यहाँ से, ये भी पैक करने के लिए क्रेटें रखी हैं। अभी इस रोड से ही आए हम, ये हर्सिल की तरफ जा रही है रोड। चलो ठीक है, अब देखते हैं, मिलते हैं आपको आगे, तब तक के लिए बाय।
घुमोलू मैं तुमको भेजी, मेरो पहाड़ के राज महाजी, लंब चौड़ो मेरो खेतों में हेटना, मैं समझ गया प्यार बड़ा जी। देवभूमि को नाम है पढ़ रो, देवतों का यहाँ राज है चलो, शांतिपूर्ण तू राज में आ रे, गाँव मेरो सबसे खास है देखनो, ठंड हवा चले ठंड चुपानी, 12 महीने में से ठंड में नानी, जल्दी से जानिया जल्दी जग जानिया, दुख में सारे साथ निभानी, रित प्यारी रित सदी भी चलनी, सीधी बोली भाषा मन में लगनी, प्यार छूमे के पहाड़ लीजिए, ईजा मेरी घर बाट है जानी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं नागणी और अब हो रहा है डिनर। यहाँ पे बहुत लेट हो गई है, यहाँ पे सभी डिनर कर रहे हैं, सब तो नहीं खा रहे, बस यही लोग हैं जो डिनर कर रहे हैं। यह है होटल नागणी में, अब इसके बाद सीधे घर पे ही मिलते हैं, बहुत लेट हो गए, 9 बज चुके हैं रात के, चलते हैं यार। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं अपने घर देहरादून और टाइम हो चुका है 11, रात के 11 बज चुके हैं, हम कहीं रुके नहीं तो हम सीधे चले ही आए, खाना हमने खा लिया था नागणी में, तो फिर हम पहुंच चुके हैं घर। तो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गुड बाय।